आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब पोषण के साथ पढ़ाई पर भी जोर, कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। शनिवार को पहले चरण के 5 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन। ब्लॉक के अंतर्गत एक परिसीय स्कूल परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों को भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक कार्य से जोड़ने और इनकी शिक्षा के प्रति मानसिकता विकसित करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश भर में एक अनूठी पहल सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बच्चों को जहां पढ़ाने की व्यवस्था भी की जाएगी, तो वहीं अन्य गतिविधियों के संबंध में भी उन्हें दक्ष किया जाएगा, जिसको लेकर एक परिसीय स्कूल परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका समापन शनिवार को प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दीक्षा ऐप के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इस एप्लीकेशन से बच्चों को कविता, कहानी, भावगीत आदि के माध्यम से ज्ञान वर्धक बातें सिखाई जाएंगी, जैसे कि स्कूल में दाखिले से पहले शिक्षा योजना के माध्यम से बच्चों में शिक्षा के विकास की रणनीति बनाई जा सके। योजना के तहत खेलकूद के माध्यम से सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से बच्चों के भविष्य को विकसित किया जाएगा, जिसको लेकर पिछले 5 दिन से ब्लॉक की 59 एक परिसीय स्कूल परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भोपाल से ट्रेनिंग लेकर आई मास्टर ट्रेनिंग लक्ष्मी तोमर, भावना पाठ्या सुपरवाइजर द्वारा अलग अलग सेंटर बनाकर प्रशिक्षण दिया गया। लक्ष्मी तोमर पर्यवेक्षक, आज यहाँ पे जो प्रशिक्षण हो रहा है ये इसी का प्रशिक्षण है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत में ये 7 दिन का प्रशिक्षण हम भोपाल से लेकर आए थे। जो यहाँ वो रिलेटेड जो आंगनबाड़ी है स्कूल से रिलेटेड, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला के 5 दिवसीय प्रशिक्षण 1 अगस्त से 5 अगस्त तक प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया गया है। विभिन्न